आज मैं बनाने जा रही हूँ शाही परवल की सब्ज़ी। ये सब्ज़ी खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। घर में कोई मेहमान आए या कोई फंक्शन हो तो ये सब्ज़ी बना के सबको खिलाइए, सबको बहुत पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। इसके लिए मैं लिया हूँ 300 ग्राम परवल। तो मैंने इधर चाकू से उसका स्किन को रब करके निकाल दिया है और अच्छे से धो के उसको बीच में से एक कट लगा दिया है। उसको पूरा हम काटेंगे नहीं, बीच में से थोड़ा सा ही कट लगाया है, उसको फ्राई करने में इजी रहेगा। और मैं लिया हूँ एक मीडियम साइज़ का प्याज। प्याज को मैंने ऐसे स्लाइस काट दिया है। और दो मीडियम साइज़ के टमाटर, जितना आप प्याज लेंगे उसका डबल आपको टमाटर लेना है। इधर मैंने एक कढ़ाई में 2 चम्मच तेल को गरम होने के लिए रख दिया था। तेल जैसे ही गरम हो गया था मैं उसमें डाली थी 1 चम्मच जीरा और 1 चम्मच धनिया। आप चाहो तो धनिया और जीरा का पाउडर भी यूज़ कर सकते हो। और उसमें मैंने डाली कटा हुआ प्याज और टमाटर। मैं हूँ 1 चम्मच नमक। नमक डालने से टमाटर जल्दी से गल जाता है। और डालूँगी 1 चम्मच हल्दी और 1 चम्मच लाल मिर्च का पाउडर। सारे मसाले को हम अच्छे से भून लेंगे। फिर डालेंगे 10-12 काजू के टुकड़े और 2 इलायची, 1 इंच का दालचीनी का टुकड़ा। फिर डालेंगे हम 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। उसमें थोड़ा सा पानी डाल के हम सारे मसालों को अच्छे से भून लेंगे 1 मिनट तक। मसाला इधर हमारा अच्छे से पक चुका है। अब गैस की फ्लेम को ऑफ करके उसको ठंडा होने के लिए हम छोड़ देंगे। जब मसाला ठंडा हो जाए तो हम एक मिक्सर जार ले लेंगे, उसमें सारे मसालों को हम पीस लेंगे। सारे मसालों को हम मिक्सर जार में निकाल लेंगे, थोड़ा सा पानी दे के उसका एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। ध्यान रहे कि मसाले को हमेशा ठंडा करके ही पीसना है, गरम मसाले को नहीं पीसना है। देखिए मसाले को मैंने फाइन पेस्ट कर लिया है। अब उसको हम ग्रेवी में यूज़ करेंगे। अब ग्रेवी की प्रिपरेशन करते हैं। इधर मैंने एक कढ़ाई को गरम कर दिया है। कढ़ाई में डालेंगे 4 चम्मच तेल। तेल जैसे ही गरम हो जाए हम उसमें सारे परवल को डाल देंगे। आप चाहो तो परवल को डीप फ्राई भी कर सकते हैं, पर मैं इधर शैलो फ्राई कर रही हूँ। सारे परवल को तेल में डालने के बाद हम उसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा हल्दी पाउडर डाल के परवल के साथ मिक्स कर लेंगे। और उसको ढक्कन बंद करके हम 1-2 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। बीच बीच में ढक्कन हटा के हम उसको पलट के फ्राई करेंगे। परवल जब तक गोल्डन ब्राउन ना हो जाए तब तक हम उसे फ्राई करेंगे। इधर परवल अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब उसी तेल में हम जो फाइन पेस्ट करके रखा था मसाला, वो मसाले को हम उसी में डालेंगे। मसाले में थोड़ा सा पानी डाल के हम उसको 5 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। मसाले को अच्छे से परवल के साथ मिक्स करके हम उसका ढक्कन बंद कर देंगे। मीडियम फ्लेम पे 5 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। 5 मिनट के बाद अब हम ढक्कन हटा के चेक करेंगे परवल और मसाला अच्छे से पका है कि नहीं। जब तक मसाला तेल ना छोड़ दे तब तक हमें मसाले को परवल के साथ पकाना है। अभी और 5 मिनट हम उसको मीडियम फ्लेम पे पकाएंगे। उसका ढक्कन बंद कर देंगे और 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे छोड़ देंगे, जब तक मसाला तेल ना छोड़ दे। अभी ढक्कन हटाकर थोड़ा चेक कर लेते हैं। अभी मसाला हमारा तेल छोड़ चुका है, मसाला और तेल सेपरेट हो चुका है। अभी इसी स्टेज पे 1/2 चम्मच से भी कम हम चीनी डालेंगे। चीनी इसीलिए डालते हैं ताकि तीखापन को थोड़ा बैलेंस करेगा और सब्जी में थोड़ा सा स्वीटनेस उसका स्वाद बढ़ा देता है। अब डालेंगे हम 1 चम्मच गरम मसाला। कोई भी ब्रांड का आप गरम मसाला यूज़ कर सकते हैं। गरम मसाला और चीनी को अच्छे से हम सब्जी में मिला के लो मीडियम फ्लेम पे 1 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे। 1 मिनट के बाद चेक कर लेते हैं। देखिए सब्जी इधर हमारा अच्छे से पक चुका है। अब हम परवल की सब्जी को एक सर्विंग बाउल में निकाल देंगे। सर्विंग बाउल में हम सब्जी को निकाल लिए हैं। अब हम उसके ऊपर एक तड़का देंगे, उसकी प्रिपरेशन करेंगे। मैं इधर एक तड़का पैन ले लिया हूँ, उसको गरम होने के लिए रख दिया। उसमें डाली हूँ 1 चम्मच तेल। और तेल जैसे ही गरम हो जाए उसमें हम डालेंगे 2 सूखा लाल मिर्च।
लाल मिर्च को थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, फिर गैस की फ्लेम को हम ऑफ कर देंगे। गैस की फ्लेम को ऑफ करने के बाद डालेंगे हम आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा कसूरी मेथी। ये तड़के को हम सब्जी के ऊपर डाल देंगे और उसको अच्छे से मिला लेंगे। अब हमारी शाही परवल की सब्जी बनके रेडी है। इसे रोटी चावल किसी के भी साथ खा सकते हैं। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।